जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष दिगंबर चौबे के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, मृत्यु दावा राशि बढ़ाने का एवं सामूहिक जीवन बीमा लागू करने संबंधित मांगों को लेकर शक्ति जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष दिगंबर चौबे सहित अधिवक्ताओं ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम अधिवक्ताओं द्वारा की गई मांग को छत्तीसगढ़ में राज्य में अधिवक्ताओं को नक्सल प्रभावित राज्य होने के कारण विपरीत परिस्थितियों में असुरक्षा की भावना बनी रहती है, असामाजिक दुर्घटनाओं में मृत्यु की स्थिति में किसी भी प्रकार की बीमा न होने के कारण अधिवक्ताओं के परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राज्य अधिवक्ता परिषद के माध्यम से जो राशि अधिवक्ताओं के परिवार को मृत्यु पश्चात प्रदान की जाती है वह बहुत ही कम है, जिससे मृत अधिवक्ताओं को परिवारजनों को सम्मान पूर्वक जीना कठिन हो गया। जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष दिगंबर चौबे ने कहा कि अधिवक्तागण प्रजातंत्र के तीसरे स्तंभ न्यायपालिका के अभिन्न अंग है, जिनके सहयोग के बगैर न्यायिक कार्य को संपादित करना एवं न्याय के लिए लड़ाई लड़ना असंभव है। अधिवक्ता के जीवन काल में शासन की ओर से कोई ऐसा अनुदान नहीं मिलता जिससे कि उनका जीवन यापन हो सके। न्यायपालिका के अभिन्न अंग जिसमें काउंसिल फॉर एप्लीकेंट और काउंसिल फॉर डिफेंडेंट शामिल है, सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार के प्रावधान नहीं है, इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाना आवश्यक है। शक्ति जिला न्यायालय के समस्त अधिवक्ताओं ने लाल पट्टी लगाकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने एवं अधिवक्ताओं को सामूहिक बीमा कराने एवं मृत्यु दावा की राशि 10 लाख रुपए किए जाने की मांग की गई है। मांग करने वालों में जिला न्यायालय के समस्त अधिवक्तागण मौजूद रहे। उद्देश्य यह है कि अधिवक्ताओं को मिलने वाले जो मृत्यु दावा की जो राशि है वो बहुत ही कम है। मृत्यु दावा की राशि जो मिल रही है उसे बढ़ा करके 10 लाख रुपया करने की मांग अधिवक्ताओं के द्वारा की गई है। इसी प्रकार सामूहिक बीमा सभी अधिवक्ताओं का होना चाहिए, ऐसा मांग किया गया है। अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए भी मांग की गई है और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की या जो मांग की गई है उसे पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज शक्ति में भी शक्ति के अधिवक्ताओं ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन और यह आंदोलन कर रहे हैं।